कल के इतिहादी आज के हरीफ बन गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दूरी के बाद इंतखाबात के मामले पर मुस्लिम लीग नून और JUI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। इलेक्शन होने या ना होने के हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पहले ही मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिनका कहना है कि पीपल्स पार्टी के सिवा सब इंतखाबात से भाग रहे हैं। अब सियासी माहौल में नया मोड़ आ गया। आम इंतखाबात ताखीर से कराने की तजवीज़ पर मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान का साथ न देने का फैसला कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के मुजव्वज़ा शेड्यूल जनवरी 2024 में कराने की मुकम्मल हिमायत का फैसला करते हुए कहा, इंतखाबात में किसी भी किस्म की ताखीर की भरपूर मुखालफत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पार्टी को मुकर्रर वक्त पर ही इंतखाबात के मुतालबे पर डट जाने की हिदायत भी कर दी। मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान के जलसे में इंतखाबात में ताखीर की तजवीज की मुखालफत करेंगे। नवाज शरीफ इंतखाबात जनवरी या फरवरी में ही कराने के हामी हैं।